दोस्तों, एनिमेशन और कार्टून फिल्में हमें बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और हम एनिमेशन फिल्मों के बचपन से ही दीवाने रहे हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमें यूथ एज में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं, इसलिए कुछ ऐसे ही शानदार और बेहतरीन फिल्में लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है माइल्स मोरालेस। मैं दुनिया का इकलौता स्पाइडरमैन हूँ। मुझे लगा तो ऐसा ही था। ये सुपर कोलाइडर है, अब देखो मजा। दूसरी दुनिया खुल रही है। नंबर एक पर आती है मूवी स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडरवर्स। इस फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉब ट्रेसी और पीटर रैमसन ने। इस फिल्म का टोटल बजट $90 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $375 मिलियन की एक लाजवाब कमाई की थी। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी पर। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है पीटर पार्कर की मौत से। आपको बता दें, इस फिल्म का मेन प्लॉट है मल्टीवर्स का, जिसमें आपको कई सारे स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्पाइडरमैन फिल्म के दीवाने हैं तो ये मूवी आपके लिए है, क्योंकि इस फिल्म का एनिमेशन, स्टोरी सब कुछ जवाब है, इसलिए इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अरे तुम आओ, अंदर आओ। ओ, कुछ नहीं हो रहा। अब नंबर दो पर आती है मूवी रैंगो। रैंगो मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था। ये एक एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था गौर वेबेंस्की ने। आपको बता दें, इस फिल्म के इंग्लिश वर्जन में इस रैंगो के कैरेक्टर को आवाज दी है हॉलीवुड के शानदार अभिनेता जॉनी डेब ने, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब की गई है। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर। ये फिल्म रैंगो नाम की एक ऐसी छिपकली की कहानी है जो मस्त मौला है, खुद में ही रहता है, वो लंबी लंबी फेंकने का आदी है और हमेशा खुद को हीरो समझता है। लेकिन इस फिल्म में कॉमेडी, स्टोरी सब कुछ होने के बावजूद एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है, वो है वाटर सेविंग का। इस फिल्म को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये एक शानदार मूवी है, इसलिए आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। Finding a master was easy. Keeping a master, that's where things got tricky. अब नंबर तीन पर आती है मूवी मिनियंस। मिनियंस के किरदार को सबसे पहले 2010 में आई एनिमेशन मूवी डेस्पेकेबल मी में देखा गया था। उसके बाद इस किरदार को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि 2015 में इसकी सोलो मूवी रिलीज की गई। आपको बता दें, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पियरे क्रॉफिन ने, और इस मूवी को इतना ज्यादा ऑडियंस ने पसंद किया कि सबसे ज्यादा कमाई की जाने वाली टॉप 5 एनिमेशन मूवीज में शुमार हो गई। आपको बता दें, इस फिल्म का टोटल बजट $74 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1.159 बिलियन की कमाई की थी। जी हाँ, $1 बिलियन की। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसी एशियन प्रजाति की है जिसका काम सिर्फ एक ही, कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को ढूंढना और उसकी सेवा करना। और उनकी मासूमियत, उनका चुलबुलापन और उनकी गलतियां देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे और आपको भी मिनियन से प्यार हो जाएगा, इसलिए इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इंसानों से दूर 1898 से आज तक यहाँ आप सुरक्षित हैं। येलो टूर प्रोग्राम, मैंने आप सबके लिए शानदार इवेंट्स डिजाइन किए हैं और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कल रात होने वाले मेरी बेटी के ग्रैंड बर्थडे। अब नंबर चार पर आती है मूवी होटल ट्रांसमेनिया। इस फिल्म को 2012 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को बनाया था कोलंबियन पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स ने मिलकर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जेडी टॉड वेस्की ने। और आपको बता दें, इस फिल्म का टोटल बजट $85 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $358 मिलियन की एक लाजवाब कमाई की थी। अब बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी की। तो इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसे भूतिया होटल की है जहाँ भूत, चुड़ैल, डायन सभी लोग आराम करने के लिए आते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। इस फिल्म में भूतों से इंसान डरे ना डरे, लेकिन इंसानों से भूत जरूर डरते हैं। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का है और इस फिल्म को देखने के बाद आपको जरूर मजा आएगा, इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा। लेकर आएंगे, चलो पंछियों, हम डायनासोर की औलाद है, गुस्सा हमारे खून में है। ओ, तेरी तो पारी तो अब शुरू हो। अब नंबर पांच पर आती है मूवी एंग्री बर्ड। 2009 में एंग्री बर्ड नाम से एक वीडियो गेम रिलीज किया गया था जो आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक कॉमेडी एनिमेशन मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम था एंग्री बर्ड। आपको बता दें, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्ले काइटिस ने। उस मूवी का टोटल बजट $73 मिलियन था और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने $352 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी। अब बात है इस मूवी के प्लॉट और इस मूवी की कहानी पर। तो इस मूवी की कहानी रेड नाम के एक ऐसे गुस्सेल चिड़िया की है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, और वो जिस आइलैंड पे रहता है वहाँ के सभी पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन सभी शांति से अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मूवी में आगे कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, उसके बाद सभी को अपनी अपनी पावर का एहसास होता है। ये कमाल की मूवी है जिसे देखना एक बार तो बनता है यार। What's the toughest thing about being a superhero? Trying to live a normal life.
अब नंबर 6 पर आती है मूवी द इनक्रेडिबल्स। द इनक्रेडिबल्स मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था। ये एक सुपर हीरो एनिमेशन मूवी है जिसे पिक्सर एनिमेशन ने बनाया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था ब्रैड बर्ड ने और इस मूवी का टोटल बजट $92 मिलियन था जिसने वर्ल्ड वाइड $633 मिलियन की एक लाजवाब कमाई की थी। अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी पर। तो इस मूवी की स्टोरी एक सुपर हीरो फैमिली की है जिसमें माँ बाप बेटा बेटी सभी के पास सुपर पावर्स है, लेकिन कोई भी ये बता नहीं सकता किसी को कि वो सुपर हीरो है क्योंकि गवर्नमेंट ने सुपर हीरोज को बैन कर दिया है, जिसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ किस तरह से जीते हैं इस फिल्म में ये दिखाया गया है। और इस फिल्म के हिंदी वर्जन में इस मूवी के मेन कैरेक्टर द मिस्टर इनक्रेडिबल को आवाज दी है किंग खान शाहरुख खान ने। ये मूवी बहुत ही कमाल की है, इसलिए आपको ये मूवी अपनी फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। सात पर आती है मूवी आइस एज। आइस एज मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्रिस वेन ने। इस मूवी का टोटल बजट $59 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $383 मिलियन की एक लाजवाब कमाई की थी। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। तो इस मूवी की स्टोरी के बारे में आपको मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये मूवी आइस एज की है, यानी हिमयुग की, जब डायनासोर मैमस सब कुछ जिंदा थे। उस वक्त की इस मूवी में कहानी बताई गई है और इस मूवी में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखाई गई है। ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए और इस मूवी की स्टोरी आपको पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी, इसलिए इस मूवी को देखना बिल्कुल ना भूलें। You live in a zoo. You look like a monkey. And you smell like one, two. अब नंबर 8 पर आती है मूवी मेडागास्कर। मेडागास्कर मूवी को 2005 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को बनाया था ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एरिक डार्नेक ने। इस फिल्म का टोटल बजट $75 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $532 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी। अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी पर। तो इस मूवी में मार्टिन नाम का एक ज़ेब्रा और एलेक्स नाम का एक शेर है, बाकी सभी उनके दोस्त हैं जो उस ज़ू में रहते हैं। अब आपको बता दें कि एलेक्स एक ऐसा शेर है जो उस ज़ू में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग उसे चाहते हैं, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं चाहता। मार्टिन का 10वां जब बर्थडे आता है तो मार्टिन की इच्छा होती है कि वो अपने असली घर यानी जंगल जाए, और इसी तरह के ताने बाने के साथ वो ना चाहते हुए भी सभी के सभी दोस्त पहुंच जाते हैं जंगल, और उसके बाद ताना बाना शुरू होता है फिर से घर पहुंचने का। इसी के बीच ये फिल्म चलती है और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, इसलिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अब नंबर 9 पर आती है मूवी कोको। कोको मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। इसे पिक्सर एनिमेशन और वर्ल्ड डिज्नी ने मिलकर बनाया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ली एनिक ने और इस मूवी का टोटल बजट $175 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $807 मिलियन की एक शानदार कमाई की है। इस मूवी की कहानी मिगुअल नाम के एक 12 वर्ष के लड़के की है जो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली में सभी लोग म्यूजिक से नफरत करते हैं। क्यों, ये हमें इस मूवी में पता चलेगा, इसलिए इस मूवी को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन मूवी है और इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। Are they going to watch or should I just wait until I get back to work or something? Just hit it. Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. What are you gonna do about crazy feet? I'm a blur. अब नंबर 10 पर आती है मेरी फेवरेट कंग फू पांडा। कंग फू पांडा को 2008 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को बनाया है पैरामाउंट पिक्चर्स ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन स्टीवंस ने। इस मूवी का टोटल बजट $130 मिलियन था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $660 मिलियन की एक शानदार कमाई की। अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी पर। तो इस मूवी की स्टोरी एक ऐसे पांडा की है जिसे बचपन में एक डक ने गोद ले लिया था, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। अब वो एक शेफ है और इसी तरह के काम करता है। वो जिंदगी में थोड़ा नाकारा है, आलसी है, भोंदू है, मगर फिर भी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो नाकारा पांडा से बन जाता है कंग फू मास्टर। और इसी तरह की सारी चीज़ों से बनकर ये मूवी बनती है हास्य और मनोरंजन का एक पैक, जिसे देखने के बाद आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे और ये मूवी आपको इंस्पायर जरूर करेगी कि इंसान चाहे तो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस फिल्म को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यही थी हमारी टॉप 10 एनिमेशन मूवीज ऑफ बॉलीवुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की नई नई वीडियोज़ बनाने का। तो इसी के साथ बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू सो मच।